आपने अब तक किया उसका रिजल्ट आज आपको मिल रहा है, जो अब आप करेंगे उसका रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अपने प्लानिंग नहीं बनाई तो पूरी जिंदगी आपकी कॉम्प्रोमाइज के साथ निकल जाएगी। तो छोटे छोटे एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूंगा। आज आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, कभी छोटे बच्चों को मॉल वगैरह लेके जाते हो, कभी मॉल वगैरह लेके गए, आप बच्चे को मॉल वगैरह घुमाने लेके जा रहे हो, उसका हाथ पकड़कर साथ साथ चलते हो। आपका छोटा बच्चा कब तक चलता है? बिल्कुल सीधा, जब तक उसको कोई नहीं दिखती खिलौने की दुकान। अब जैसे ही खिलौने की दुकान दिखी, सीधा बच्चा खिलौने की दुकान पर भागता है। और आजकल का बच्चा तो इतना ट्रेंड है, छोटा खिलौना नहीं उठाता, बड़ा ही खिलौना उठाता है। जैसे ही बड़ा खिलौना उठाया, सबसे पहले पापा का शब्द क्या निकलता है? बेटा टूटा जाएगा, रख दे। जैसे ही आपने कहा टूटा जाएगा, रख दे, बेटा भी आंख दिखा देता है, नहीं पापा लेके जाऊंगा। तो आपको लगा पहली डिग्री खराब। आपका बेटा थोड़ा खिलौना और तेज तेज हिलाने लगता है तो आप उसका हाथ पकड़कर खींचने लगते हो, चल बेटा, हाथ पकड़कर खींचने लगते हो। जैसे ही आप उसका हाथ पकड़कर खींचते हो तो आप देखना 99.9% बच्चे एक ही काम करते हैं, अपने हाथ को ढीला छोड़ लेते हैं और लटक जाते हैं। पापा खींच रहे होते हैं और बेटा लटक रहा होता है। दोनों अपनी जगह ठीक है, पापा भी अपनी जगह ठीक है और बेटा भी अपनी जगह ठीक है। पापा देख रहे हैं अपनी जेब और बेटा देख रहा है खिलौने में अपने सपने। लेकिन हम ही लोग तो कहते हैं कि किस लिए कमाते हैं? अपने और अपने परिवार के लिए कमाते हैं। आज की तारीख में आप कभी रेस्टोरेंट वगैरह जाते होंगे, सच बताना जितने भी लोग रेस्टोरेंट जाते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं? मेन्यू कार्ड में क्या देखते हैं? रेट। और रेट में क्या देखते हैं? सच पूछो तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहले नजर जाती है दाल फ्राई कितने की है। कभी आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाए, कभी किसी चाइनीज या थाई फूड कोर्ट्स के अंदर चले जाइए, तो आप लोग ऐसा देखेंगे डिश का नाम इतना जबरदस्त लिखा होता है जो आप पढ़ तो सकते ही नहीं है। अगर आपने पढ़ लिया आपको समझ तो आने वाला है ही नहीं। लेकिन आपने देखा 100 रुपए प्लेट, आपने देखा डिश का नाम 100 रुपए प्लेट है, 100 रुपए प्लेट डिश, आपने बोला, आपको समझ में नहीं आया, आपके पास वेटर आया, आपने पूछा ये क्या है, आपकी ट्रेनिंग में कमी होगी? लेकिन वेटर की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं होगी। वेटर शुरू हो जाता है, यू डोंट बिलीव, इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ फिलिपिनो सेंटी, आपको सब फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ पेपर सैलेड एंड आल्सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ देसी घी, वुड यू लाइक टू ऑर्डर? आपने भी कह दिया हाँ ले आओ। पता चला जब वो वेटर लेकर आया डिश, तो पता चला जो घर में खिचड़ी छोड़कर आए थे वही खिचड़ी सामने आ गई, क्योंकि आप क्या देख रहे थे? पैसा। तो कभी लाइफ में पैसा भी तो हमें देख लेता है कि कितने कॉम्प्रोमाइज हैं जो हमें अपनी जिंदगी में करने पड़ते हैं, क्योंकि हम अपने सही समय रहते अपनी विकास योजना नहीं बनाते। क्या आप में से जितने भी लोग आज ट्रेनिंग में हैं, क्या आप लोग अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज के साथ बिताना चाहते हैं? तो जवाब होगा आपका नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज के साथ बिताना नहीं चाहते तो आपको वेस्टेज करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए, तो कुछ जो काम है आप कहते हैं करने के लिए, तो आइए उन कामों के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं मैं वेस्टीज नहीं करूंगा, तो सबसे पहला ऑप्शन किसी इंसान के पास अगर आता है तो आता है कि साहब मैं कर लूंगा नौकरी। सबसे पहला ऑप्शन आता है नौकरी। नौकरी को जरा ध्यान से पढ़े तो समझ में आएगा नौकरी, यानी कभी आपको नो नहीं करना, हमेशा आपको यस करना है। अभी एक ताजा रिपोर्ट आ रही है कि इस कोरोना एपिडेमिक के बाद शायद भारत के अंदर 45 करोड़ लोगों की नौकरियों पर खतरा आ जाएगा। इस कोरोना ने सिखा दिया लोगों को, जो हम कल तक कहा करते थे आज वो आने वाले समय में वो समय लोगों को सिखाने वाला है। फ्रेंड्स, कि सबसे पहली ऑप्शन आता है नौकरी। नौकरी को जरा ध्यान से पढ़ो, नौकरी यानी नौकरी, कभी आप नो नहीं कर सकते, हमेशा आपको यस करना है। लेट सपोज आपका बॉस आपको कहे कि कल तुम्हें रात को 8 बजे तक काम करना है, तो आप क्या बोलेंगे? यस बॉस। आपका बॉस कहे कि कल तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तो आप क्या बोलेंगे? यस बॉस। आपका बॉस कहे तेरा इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो आप क्या बोलेंगे? यस बॉस। आपका बॉस कहे तो एक नंबर का बेवकूफ है, तो आप क्या कहेंगे? यस बॉस। क्योंकि नो तो आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि नौकरी में लिखा हुआ है नो करी, कभी आप नो नहीं कर सकते, हमेशा आपको यस करना है। नौकरी में होता क्या है, धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे पैसा बढ़ता है, लेकिन पैसा उतना ही बढ़ता है, उससे ज्यादा खर्चे हमारे बढ़ जाते हैं। और आप में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, आप में काम करने की कितनी भी क्षमता क्यों ना हो, लेकिन आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा, आपका इंक्रीमेंट होगा या नहीं होगा, ये एक ही इंसान डिसाइड करेगा, वो है आपका बॉस। और आप जरा मुझे बताइए कितने ऐसे लोग हैं जिनको अपना बॉस अच्छा लगता है। एक बार मैं ट्रेनिंग कर रहा था प्यारेलाल भवन के अंदर, 750 लोग थे उस ट्रेनिंग के अंदर, तो मैंने ये सवाल पूछा कि ऐसा कोई जिसको अपना बॉस अच्छा लगता है, तो किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। एक 25 साल के लड़के का हाथ खड़ा हुआ, और मैंने उसका हाथ खड़ा हुआ तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा कि सर आपका बॉस आपको क्यों अच्छा लगता है? अरे सर बॉस है, बॉस तो अच्छे लगेंगे। मैंने कहा वो तो मैं समझ गया अच्छा लगता है, लेकिन आपको क्यों अच्छा लगता है? नहीं सर मैंने तो ऐसे ही हाथ खड़ा किया था, आप तो यहाँ पर माइक लेकर आ गए। मैंने कहा तुमने हाथ खड़ा किया, अब तुम जवाब दो कि क्यों अच्छा लगता है?
तो बोला सर अच्छा क्यों लगता है, पीछे बैठे हैं तो अच्छे तो लगेंगे। यानी जब बॉस पीछे बैठा हो तो अच्छा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आज आप सबके पास आपके बॉस नहीं है, तो आज ईमानदारी से आप अपने आप को जवाब दे सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें कितना भी टैलेंट क्यों ना हो लेकिन तो भी सारी चीजें डिसाइड करने वाला है वो है बॉस। अगर नौकरी को मैं समझाना चाहूं तो एक एग्जाम्पल के तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ। आप में से ये बताइए बचपन में कितने लोग छोटे थे? ओह सारे लोग छोटे थे। तो आपको अपना बचपन याद है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके घर में आज छोटे बच्चे होंगे, आपने देखा होगा एक बेहतरीन चीज आती थी बचपन में खेलने वाली, जिसको बच्चे बहुत प्यार से खेला करते थे, वो एक हवा का गुब्बारा आता था वो जब हाथ से छूटता था तो कहाँ जाता था, ऊपर जाता था। तो आपका बच्चा उस हवा के गुब्बारे को कभी घर के अंदर लेकर आया और वो गुब्बारा आपके बच्चे के हाथ से छूटा हो, जैसे ही वो आपके बच्चे के हाथ से छूटता है तो वो गुब्बारा कहाँ जाता है, बिल्कुल आपने सही कहा, छत पर जाता है। फिर बच्चा रोने लगता है, आप उसको दोबारा पकड़ा देते हैं, दोबारा उसके हाथ से गुब्बारा छूटता है तो कहाँ जाता है, छत पर जाता है। कभी आपने ऐसा सुना या कभी आपने ऐसा देखा या कभी आपको सुनने में या न्यूज चैनल में ये खबर आई हो, ब्रेकिंग न्यूज, आज एक गुब्बारा जनकपुरी में छत फाड़कर बाहर निकल गया, कभी आपने सुना? क्या कभी उस गुब्बारे में इतनी हिम्मत आ सकती है कि छत को फाड़कर बाहर निकल जाए? कभी नहीं आ सकती। ठीक यही हाल तो हमारी नौकरी का है, यही हाल तो हमारी नौकरी का है। हम में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, हम में कितना भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन हम उस छत को फाड़कर बाहर नहीं निकल सकते जो छत हमारी बॉस ने हमारे ऊपर डाल दी है। हम उस छत को फाड़कर बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन उसी गुब्बारे को अगर आप खुले आसमान में लेकर आते हैं और वो गुब्बारा जब आपके बच्चे के हाथ से छूटता है तो वो गुब्बारा कितने ऊपर जाता है, इतना ऊपर जाता है कि इसकी ऊंचाई को दुनिया देखती है। और आज यही खुला आसमान आपको वेस्टीज प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स, कि आज जितना ऊंचा उड़ना चाहते हो उतना ऊंचा उड़ सकते हो, जितना कमाना चाहते हो उतना कमा सकते हो, जितनी वेल्थ लेना चाहते हो उतनी वेल्थ ले सकते हो। आज ये मौका इक्वली आपको वेस्टीज प्रोवाइड करता है।